हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग मरियम. नाश्ता बनाया? करोगी? नहीं थैंक यू. ये क्या खा रहे हो सखी? इसको छोड़ो, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता. मुझे लगता है ये हमारी आखिरी मुलाकात है. रियली? मुझे तो कुछ और लगता है. आई एम सीरियस इस्माइल. आई एम ऑल्सो सीरियस आयला. मैं तुम्हारी वाहिद दोस्त हूँ मरियम. तुम एक आम सी दोस्त हो मेरी, जिसके पास मैं गई थी परेशानी के वक्त में. और क्या किया तुमने? मदद भी नहीं की मेरी. और फिर ये अचानक खुफिया मंगेतर निकल आया कहीं से. हाला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ. सारी दुनिया छोड़ के मुझे तुम मिल गई. प्लीज मत जाओ. अच्छा आदमी है वो. आई डोंट थिंक सो. बहुत फ़ायदा उठाया उसने आयला की मासूमियत का, उसकी सॉफ्ट नेचर का. आई एम श्योर आयला ने भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया ही होगा. मैं सोच रहा हूँ कि मैं और मरियम अब कोर्ट मैरिज कर लें, वक्त आ गया. और तुम, अजीब सा लग रहा है मुझे पूछते हुए, तुम आना चाहोगी हो? अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मैंने इतना टाइम लिया और अब तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा. पागल हो? तुमने तो एक अच्छे दोस्त की तरह साथ दिया है मेरा. सिर्फ एक अच्छा दोस्त नहीं बनना चाहता, कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, एक अच्छे दोस्त से भी ज़्यादा. Sorry. It's fine. मैं उस दिन के बारे में तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ. मैंने बहुत बदतमीजी की तुम्हारे साथ. नहीं, एक्चुअली सिकंदर और मेरे ताल्लुक के बारे में बहुत सस्पेशन हो गया था, ये मुझे अब समझ में आया. लेकिन मैंने उसे सीक्रेट रखा क्योंकि मुझे उससे बहुत अटैचमेंट हो गई थी, यू नो. और मैं नहीं चाहती थी कि कोई दोस्त हमारे बीच दरार डाल दे. दरार? तुम तो जानती हो थिएटर के फ्रेंड्स को, इधर की उधर करने वाले नाकाबिले एतबार. तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई उसे मुझसे छीन ले, हमें अलग कर दे. मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी. मैं समझती हूँ. शुक्र है, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया. तुम वाकई मुझसे नाराज नहीं हो? Come on, Maryam. नहीं, मैंने बहुत बदतमीजी की तुम्हारे साथ, यू नो. मुझे लगता है मैं तुमसे जेलस हो गई थी. बस अब ठीक है ना दोस्तों, मैं क्या सॉरी. खाने के कितने पैसे हुए? इट्स फाइन रियली. नहीं, आई इंसिस्ट. मरियम, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है. हाँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत लंचेस कराए हैं, तुम्हारे बहुत फेवर्स हैं मुझ पर. प्लीज वॉशरूम. अभी आती हूँ. अच्छा तुम ये बताओ, कैसा रहा? क्या कैसा रहा, बस खास नहीं. बताओ ना भाई. हमने सारे फॉर्म्स फिल किए, साइन किए, लाइसेंस साइन किया, फिर हम हॉल में वेट करने लगे. हमारा नाम पुकारा गया, हमें एक और रूम में ले गए. वहाँ सिटी हॉल में शादी के वक्त बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है. फिर हमारी बारी आ गई और एक रशियन थी जिसने हमारी सारी कार्रवाई की. बड़ा भारी सा एक्सेंट था उसका, बहुत ही थिक एक्सेंट. और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी फजूल बात है. बताओ सखी. वो सेरेमनी के बाद जब रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और जब कमिट करते हैं कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे, जब मैं वो लफ्ज़ कह रहा था तो छोड़ो. बताओ मुझे. ज़ाहिर, जब मैं वो लफ्ज़ कह रहा था तो मरियम की तरफ देख रहा था. मरियम मेरे सामने थी और मैंने उसको देख के, जब मैं उसे रिंग पहनाने लगा तो आई डोंट नो क्या हुआ मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ गए. आंसू आ गए? हाँ, क्या बकवास है यार, बिल्कुल फजूल बात है. लेकिन जब मैं उसको देख रहा था और यू नो रिंग पहना रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं सचमुच उसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ. यू नो, एक मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई मेरी उससे शादी हो गई है. तुमसे कहा था ना बिल्कुल फजूल, ऐसे ही बस फजूल बात है, फजूल बात है. मैंने कहा था ना तुमसे.
तो मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा कहाँ है वो? पता नहीं, वो किसी ऑडिशन पे गई है। अच्छा, कैसी जा रही है? क्या मतलब? बीवी बनने के बाद कैसी जा रही है? महिला? क्या, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। मरियम, थिंक ऑफ द डब। हेलो। हाँ मरियम, हम लोग यहाँ बी कप कैफे में, आ जाओ आ जाओ, यहीं आ जाओ। ओके ओके, बैठे। 5 मिनट दूर है, यहीं कहीं करीब घूम रही थी। अच्छा, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे वैसे भी इस्माइल के पास जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था ना, जरूरी है बहुत। तो जाओ फिर अपने इस्माइल के पास। क्या हो गया? मेरा दोस्त है, प्लीज मैं जा रही हूँ। तो बैठ ही रहो ना, तुमने कहीं नहीं जाना। हाय गाइस, आज तो मेरा ऑडिशन इतना जबरदस्त हुआ है कि मुझे वो एड मिल ही जाएगा। गुड, कहीं लंच के लिए चलते हैं ना। हाँ, मगर ये जा रही है ना अपने इस्माइल के पास। मुझे जरूरी जाना है। कोई बात नहीं, जब तुम फारिग हो जाओगे तो घर आ जाना, शाम को डिनर करेंगे इकट्ठे। वैसे इस्माइल ने क्या कहा तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में? सस्पिशियस है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया, और फिर सिक्की किसी और को डेट कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी उसको समझ नहीं आ रहा। उसका शक दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। नहीं हाँ, कैसे? लेकिन जब तुम मिलोगी ना उससे, तो उसे बता देना कि सिकंदर ने शादी कर ली है, और उसे बताते वक्त तुम्हारी टोन बहुत सैड होनी चाहिए। मुझे यकीन है वो कन्विंस हो जाएगा। अब तुम मुझसे भी एक्टिंग करवाओगी मरियम? मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये देखो कैसी है। वाओ, दैट्स रियली नाइस, इज़न्ट इट? मान गई भाई मैं तुम्हें। थैंक यू। एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। एक और तस्वीर? नहीं यार, अगले महीने एक शो कर रहा हूँ अपनी पिक्चर्स का। रियली? जी, पूरी एक गैलरी डेडिकेट की गई मेरे काम के लिए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और गैलरी के सेंटर में ये पिक्चर लगेगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, योर पिक्चर। क्या बात, तुम्हें ये आइडिया अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये बात नहीं है, बस मेरी तस्वीर सेंटर ऑफ द गैलरी, इट्स अ बिट टू मच। सो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? यही कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, और मैं तुम्हें किस तरह कैप्चर करता हूँ अपनी आँख से। कुछ पियोगी, चाय या कुछ पानी? नहीं थैंक यू। मैं सिकंदर से मिली थी आज। क्यों? वो बहुत इसरार कर रहा था। और तुम मान गई? हाँ, मेरी और उसकी बहुत सारी मेमोरीज हैं। चाहे तुम उसके बारे में जो भी सोचते हो इस्माइल, मैंने और सिकंदर ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा एक साथ। हाँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारा दुख है। Just wanna help you. तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन उसने शादी कर ली है। What? शादी कर ली? हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले। तुम्हें कब पता चला? उससे क्या फर्क पड़ता है? कितना घटिया आदमी है। किसे की शादी? मरियम नाम की एक लड़की है। I think I know her. मिली थी वो मुझे, मैं लैपटॉप पे तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था, she came to me. उसने तो कहा वो तुम्हारी दोस्त थी। You know Mariam? उसने ये कहा है तुमसे? हाँ, वो दोस्त है तुम्हारी, और सिकंदर से शादी का कोई जिक्र नहीं किया उसने। What is all this? I'm confused. Ismail, I have to go. मुझे बताओ तो सही, चक्कर क्या है सारा? मरियम है कौन? ये बात उसी कॉम्प्लिकेशन का हिस्सा है, इससे आगे मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। तुम जा कहाँ रही हो? मुझे जाना है, I'm sorry.
Hello. Hi, is this Ayla Khan? Yes, who is this? तुम मरियम को जानती हो ना? कौन तुम कौन हो? मैं उसकी एक दोस्त बात कर रही हूँ. तुमसे मिलना है. क्या बात करनी है मुझसे? मैं मरियम के लिए परेशान हूँ. परेशान? प्लीज मिल लो. अभी तो मैं बिजी हूँ कहीं. मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगी. एनी टाइम एनी प्लेस. मैं सोचती हूँ. ठीक है सोच लो. ये मेरा नंबर है. मुझे फोन कर लेना. उसने कॉल की थी मुझे. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ. शी कॉल्ड मी मरियम. आई हर्ड यू. तो उसको नंबर कैसे मिला मेरा? मुझे नहीं पता. और तुम्हारा ये तफ्तीशी अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तुम एक जवाब सही से तो दो. वो कह तो रही है उसे नहीं पता. वो तो कुछ कह ही नहीं रही. वो कह तो रही है कि उसे नहीं पता कि फराह के पास नंबर कैसे आया तुम्हारा. और तुम्हें इस पे यकीन है? मैं उसकी बात सुनना चाह रहा हूँ. इस बात का तुम्हारे से भी ताल्लुक है? मुझे पता है मुझसे ताल्लुक है, लेकिन इसका दिमाग खाने का फायदा क्या? हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, समझी तुम? यकीन करना है एक दूसरे पर. मरियम बताओ किस चक्कर में है? मुझे वाकई नहीं पता. उसे इधर की बात उधर करने की आदत है, लेकिन इस मामले का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है. तो तुम जानती हो उसे? आयला प्लीज. क्या तुमने उसे क्या बताया? वो हमें ब्लैकमेल करना चाह रही है ना? वो ऐसा नहीं करेगी. तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ नहीं पता. वो इतनी चालाक नहीं है कि वो हमें ब्लैकमेल करे. सिर्फ गॉसिप का चस्का है उसे बस. ये गॉसिप का चक्कर नहीं है, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है. बस खत्म करो बस. हमें कुछ सोचना होगा. क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता. हो सकता है कि वो मेरी शादी से जेलस हो. वो जानती है तुम्हारी शादी के बारे में? जाहिर है जानती है. वो पार्टी पे आई थी कुछ दिन पहले. उसको पता था हम दोनों शादी करने वाले. वो तुमसे जेलस क्यों होगी? पता नहीं, शुरू से ही जेलस है वो मुझसे. कितनी अच्छी तरह से जानती हो तुम उसे. आयला प्लीज यार. क्या जवाब देने दो उसे. क्या जवाब देने दो? वो कोशिश तो कर रही है देने की. उसने मुझसे मुसलसल सवालात किए. तुमसे क्या पूछ रही थी वो? बस यही जानना चाह रही थी कि हम दोनों कैसे मिले और मैंने तुम्हें सीक्रेट क्यों रखा. सीक्रेट? हाँ, तो किसी ना किसी तरह तो मुझे एक्सप्लेन करना था ना कि मैं एक ऐसे आदमी से क्यों शादी कर रही हूँ जिसके बारे में उसे अभी पता चला. तो मैंने कह दिया कि सिक्की और मैं. सिक्की? सिकंदर. तो मैंने कह दिया कि हम दोनों ने अपने ताल्लुक को इसलिए सीक्रेट रखा क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते थे. लेकिन अब सब ठीक है. तो उसको यकीन आ गया? पता नहीं. मुझे क्या करना चाहिए? मिलूं उससे? देखो, हम लोग बेकार में राय का पहाड़ बना रहे हैं. लेट्स इग्नोर इट. बात अपने आप ठंडी हो जाएगी. और तुम लोग चाहते हो तो मैं बात करती हूँ उससे. नहीं नहीं, तुम मिलो उससे. क्या, क्यों? तुम फोन करो उसको. Are you sure? हाँ. देखो मरियम, मैं चाहता हूँ कि ये जाए ताकि हमें पता लगे कि वो चाहती क्या है. This is ridiculous. तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो. Ridiculous. मरियम, तुम क्या कर क्या रही थी उसके साथ? क्या मतलब क्या कर रही थी? हम एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए. मुझे पता है हम फंसे में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसका दिमाग खा जाए. सेंसिटिव लड़की है वो. इतनी भी सेंसिटिव नहीं है सिकी. मैं उसके साथ रहता हूँ, मुझे पता है. अच्छा, कितना वक्त गुजार लेते हो उसके साथ? तो मेरे साथ मेरे घर में रहती है यार. क्या हो गया तुम्हें? काम डाउन, मैं खुद हैंडल कर लूंगा उसे. Thank you.
आर यू श्योर कुछ नहीं लूँ तुम्हारे लिए? थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने अभी कुछ खाया भी है? आई मीन अ कप ऑफ कॉफ़ी या चाय या कुछ खाने के लिए? तुम चाहती क्या हो? क्या पढ़ रही हो? देखो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी क्लास है अभी। देखो मुझे पता है तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, मैं एक अजनबी तुम्हें फ़ोन करती हूँ, तुम्हारे दोस्त के बारे में पूछती हूँ। बिल्कुल लग रहा है। तुमने उसे बताया कि तुम मुझे मिलने आ रही हो? इसकी फिक्र तुम मत करो, असल बात क्या है वो बताओ। उसके मियाँ के बारे में तुम क्या जानती हो? सिकंदर के मतलब? वो समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं, वो बहुत अजीब सी बातें कर रही है। देखो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, खुल के बात करोगे करनी है? नहीं मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बस मैं मरियम के लिए परेशान हूँ। परेशान क्यों? ये जो आदमी है मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, उसने जिक्र भी नहीं किया उसका, और मरियम को जहाँ तक मैं जानती हूँ वो ऐसी बात कभी नहीं छुपाती। और फिर अचानक वो कह रही है कि इसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और वो फौरन शादी कर लेते हैं। इट्स अ लिटिल सस्पिशियस, डोंट यू थिंक? नहीं तो मजाक मत करो। नहीं सच में इसमें कोई सस्पिशियस होने वाली बात ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो पता था सिकंदर के बारे में। तुम्हें पता था? बिल्कुल मुझे मालूम था। रियली? हाँ, मेरी और मरियम की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। अच्छा तो मैंने तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं सुना? सॉरी आई एम गोना टेक दिस। हेलो। हेलो आयला, इज एवरीथिंग ओके? किधर हो आयला, प्लीज जल्दी से आ जाओ। सब कुछ ठीक तो है? आई नीड योर हेल्प प्लीज। मैं आ रही हूँ इस्माइल, आई विल बी देयर, डोंट वरी। तुम जा रही हो? हाँ। और मरियम का मामला? कोई मामला नहीं है और कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है। शायद वो तुमसे हर चीज़ शेयर ही ना करती हो, मे बी जस्ट नॉट दैट क्लोज टू हर फरा। Yeah, I want to report an assault and robbery. Yeah. Smile. ये क्या हुआ है? ये किसने किया है Smile? मुझे नहीं पता है, I don't know. पुलिस को तो बताया ना? हाँ, आसपास जो लोग थे उन्होंने पुलिस को इतला दे दी थी, स्टेटमेंट मिली उन्होंने मुझसे। मारने वाले को पहचानते हो तुम? मैं उसको देख ही नहीं सका, अलग बहुत घटिया बातें कह रहे थे कि तुम टेररिस्ट हो, अपने मुल्क वापस चले जाओ। What? मारते चले जा रहे थे और देख नहीं पाया, बस खून निकल रहा था। अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, डोंट वरी। थैंक यू। सिक्की। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? पता नहीं अम्मी, शायद अपने लिए हर जगह नो वैकेंसी का स्टेटस देख के समझ नहीं पा रहा कि कैसा हूँ। बहरहाल आप कैसी हैं? तुम इतने उदास होकर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कैसी हूँ? कम ऑन अम्मी, अगर मैं अपने दिल की हर बात आपसे शेयर कर लेता तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उदास हो जाए। तो लाइफ है, मुश्किल होती रहती है, क्या कर सकते हैं। सिकी प्लीज,
सॉरी अम्मी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। जॉब आज नहीं है तो कल मिल ही जाएगी, आखिरकार मैं अमेरिका में हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आप परेशान ना हो। कैसे, जस्ट टेल मी, कैसे परेशान ना हो? तुम मुझसे इतनी दूर वहां परदेश में बैठे हो, जॉब तुम्हारे पास नहीं है, आयला जैसी खुशी से तुम रूठे बैठे हो, और फिर तुम अपनी माँ से कह रहे हो कि परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो सिकी? मम्मी आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। आयला के साथ जुड़ा रिश्ता भी? हाँ सिकी। देखिए मैं आयला के बारे में बात नहीं करना चाहता। आखिर क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है बेटा, मुझे तो बताओ, कुछ डिस्कस तो करो। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं। और आयला, आप भूल क्यों नहीं जाती कि आयला जैसी लड़की मेरी जिंदगी में थी नहीं कभी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो सिक्की? कल तक जिस लड़की की तारीफें और बातें करते करते तुम थकते नहीं थे, आज उसका जिक्र तक सुनना गवारा नहीं कर रहे हो। जब तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसके बगैर तुम नहीं रह सकते, तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते इस बात को? हमें क्या हो गया आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पायला को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही? क्योंकि ये इंपॉर्टेंस तुमने मुझे दिलवाई है, इसलिए। सिकी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ऐसा करो, मैं उससे बात कर लेती हूँ, मुझे उसका नंबर भेज दो। आप क्या चाहती हैं, मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूँ? तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। ख्याल रखना अपना। अम्मी, कहाँ थी तुम? मैंने इतने फोन किए तुम्हें। बिजी थी मैं। कहाँ बिजी थी, खैरियत तो है? तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि फरा क्या चाहती है। मुझे क्या पता फरा क्या चाहती है। तुमने पूछा नहीं उससे? हाँ पूछा मैंने उससे, कुछ उलझी हुई है वो, परेशान है मरियम के बारे में। क्या वजह परेशानी की? तुम। मैं परेशानी की वजह हूँ? हाँ सिकी, फरा नहीं जानती कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो मरियम की जिंदगी में, कुछ भी तो नहीं जानती वो तुम्हारे बारे में। इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा प्लीज छोड़ो इस बात को, मैं पहले से ही बुरे मूड में हूँ। अच्छा प्लीज, अभी सारा गुस्सा तुम मरियम पे ना उतार देना। वो है यहाँ? वो नहीं है यहाँ, लेकिन जो कुछ भी तुम उसके साथ कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो। पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई उससे, वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे कहने पर कर रही है। हमने उसकी जिंदगी को चेंज करके रख दिया है, पता नहीं कितने लोगों से उसको झूठ बोलने पड़ रहे हैं। नहीं करो ऐसा प्लीज, वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है। कल कुछ लोगों ने इस्माइल को मारा पीटा है, उसका कैमरा भी चोरी किया। Really? हाँ, कल वो अकेले घर वापस आ रहा था और कुछ लोगों ने उस पर हमला किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान है। सो प्लीज मुझे माफ करना कि मैं मरियम की फीलिंग्स के बारे में परवाह नहीं करती। सिकी, कहाँ जा रहे हो तुम? घर। प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है इस वक्त। अरे चाय नहीं पी आपने? ठंडी हो गई बिल्कुल। मांग तो आप यूं रहे थे जैसे आपको सदियों से तलब हो, गरम करके लाती हूँ। रहने दो यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। राहत, आखिर आप कब तक इस मूड में रहेंगे? जब तक सिक्की पाकिस्तान वापस आने का वादा नहीं कर लेता तब तक। ये क्या कह रहे हैं आप, वो भला किस तरह आ सकता है, उसके फ्यूचर का सवाल है। किस फ्यूचर की बात कर रही हैं आप? वो फ्यूचर जिसके लिए उसने अपना पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। जिस तरह की डिसीजंस वो ले रहा है, उन डिसीजंस से उसे सिवाय पछतावे के कुछ हासिल होने वाला नहीं, सिर अपना फोड़ रहा है और तकलीफ हमें दे रहा है। वो हमारा बेटा है राहत, इस वक्त उसे हमारे साथ की जरूरत है, तानों की नहीं। अरे भाई वो हमें साथ लेके चले तब ना,
उन्होंने तो अपने आप को अगले कुल समझ रखा है, दूरियां बढ़ा के नजदीक आने की बातें कर रहे हैं। और मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, अब उसे पाकिस्तान आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आएगा तो मैं खुद उसे लेने वहां पहुंच जाऊंगा, और ये बात बता देना उसको टेलीफोन पे। हरगिज नहीं, मैं आपको वहां उसका करियर तबाह करने के लिए नहीं जाने दूंगी। सलमा तुम सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो। देखो सिक्की अपने जॉब के होने या ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला नहीं है, बल्कि वो आयला को लूज करने के इमोशनल डिस्टर्बेंस में मुब्तला है, और ऐसे हालात में वो जो भी कदम उठाएगा उससे सिवाय डगमगाने कुछ हासिल नहीं होगा। हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी जरा उसे देख लेने दीजिए, हो सकता है उसके हालात में बेहतरी आ जाए। क्यों, क्या कोई जादू की छड़ी आ जाएगी उसके पास? जादू की छड़ी तो आपके पास भी नहीं है जो आप फौरन अमेरिका जाके उसे कन्विंस करके वापस ले आए। आप जानते हैं सिक्की को, वो ऐसा नहीं है कि उसे कोई जबरदस्ती पाकिस्तान ले आए। गिव हिम सम टाइम, आई एम क्वाइट श्योर वो अपने मामलात को खुद हैंडल कर सकता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम्हारे सजेशन को। माय क्लाइंट हैज एन अलिबाई, शी वाज नॉट नियर द क्राइम। I'm sorry. Let me do that again. I object to this line of questioning. My client has an alibi. An alibi. She was not near the scene of crime. Thank you. Let me do that again, please. No, thank you. Please, I'm having a bad day. Thank you. Come on. These are just five lines. Let me do them again. Yes, five lines you haven't gotten right once. Please. I will go out and read them over again. Look, we don't have time. Sorry. Thank you. Bahar mein jao tum dono. हेलो हेलो सिक्की, क्या हुआ मरियम? बहुत बुरा हो गया, बहुत ही बुरा। उन लोगों ने मुझे दोबारा लाइनें नहीं बोलने दी, एकदम गधे एक नंबर के। अच्छा आराम से, ऐसा क्या हो गया? मुझे आराम से नहीं बात करनी, तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे मिलना है तुमसे। नहीं मैं नहीं आ सकता, अभी आयला के पास हूँ। प्लीज तुम यहाँ आ जाओ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं। फरा से तो कोई बात हो नहीं सकती ढंग की, और कोई मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ सेंट्रल पार्क में हूँ, प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे एक घंटा दो। थैंक यू सिक्की। सॉरी यार। कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की, जाना तो पड़ेगा, वो बहुत पागल हो रही है, अपसेट हो रही है बहुत। तो देखो मैं अच्छा लगे या ना लगे, वो औरत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम उसको पैसे दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही है। सब ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी में शामिल है वो, उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं बस अपसेट हूँ इसलिए, पता नहीं। मैं आ जाऊंगा कल। ओके आ गए तुम? मैं तो आ गया हूँ, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। तुम ठीक लग नहीं रही हो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं लगता मुझे अब एक्टर बनना है। ये तुम दिल से नहीं कह रही हो? दिल से ही कह रही हूँ। सब इडियट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, अपने ही दोस्तों को कास्ट करते रहते हैं।
हुआ क्या है? क्या मुझे ठीक से करने भी नहीं दिया, एक लाइन भूल गई थी, थोड़ा सा वक्त चाहिए था और दोबारा करने के लिए, करने नहीं दिया। It's all right, यार। No, it's not. कितने सालों से लगी हुई हूँ, थक गई हूँ मैं, पता नहीं कब तक कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तुम कंटिन्यू करोगी, तुम भूल गई वो बात जो हमने की थी। क्या? कि हम उस कमरे में जाने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। वो बात अलग है, मुझे वाकई नहीं लगता कि मैं आगे जा सकती हूँ इसमें। तुम आगे जा सकती हो, क्या पता। देखो जब मैं बच्चा था ना तो बहुत बुरा स्टूडेंट था, तो जो चीज़ समझ में नहीं आती थी ना उससे दूर भागता था, मैं साइड पे कर देता था उस चीज़ को। तो मैं तो बच्ची नहीं हूँ ना। पूरी बात तो सुन लो ना, मुझे नफरत थी मैथ से। रियली? हाँ। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है ना मैथ में। बिल्कुल भी नहीं चलता था, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। पता है ना सिर्फ स्कूल के हद तक बल्कि मेरी जिंदगी में भी, मेरी पर्सनालिटी में भी उन्होंने मुझे सिखाया कि चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उससे नफरत को मोहब्बत में किस तरह तब्दील किया जाता है। और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें यही सिखाऊँ। कैसे? डट जाओ, हिम्मत नहीं हारो कभी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीरियसली, ये तुम्हारा ख्वाब है ना? हाँ। तो ख्वाब के मामले में तो हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन अगर किस्मत ही खराब हो तो? तुम्हारी कोई किस्मत खराब नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारनी तुमने। तुमने तो मुझे एक्टिंग करते हुए नहीं देखा, हो सकता है मैं बहुत ही बुरी एक्टर हूँ। नहीं, मुझे यकीन है तुम कमाल की एक्ट्रेस हो। तुम्हें यकीन है? मुझे पक्का यकीन है, बिल्कुल। चलो घर चलते हैं, कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं, मतलब तुम्हारे लिए अच्छी मेरे लिए बुरी। चलें? चलो चलो। कॉल कर रही हूँ मुझे? वो अभी पार्क में घूम रहे थे मरियम और सिकंदर। तुम पीछा कर रही हो उनका? आपस में बातें कर रहे थे वो। तो शादीशुदा हैं वो? हाँ, मगर बातों का अंदाज ऐसा था जैसे वो एक दूसरे को जान रहे हैं, जैसे उनकी मुलाकात पुरानी नहीं है। तसल्ली दे रहा था वो उसको। स्टॉप कॉलिंग मी प्लीज। वैसे तुम कमाल की एक्ट्रेस हो, क्या रियल लाइफ एक्टिंग की है तुमने, मैं हैरान ही हो गया। और ये स्पेनिश कहाँ से आ गई तुम्हें? बस न्यूयॉर्क में रह के सीख ली। वैसे कितना शर्मिंदा हुआ ना वो, मुझे देसी समझ के जलील करना चाह रहा था। स्टूपिड। वैसे पता है कोई नहीं कह सकता तुम वही मरियम हो जो थोड़ी देर पहले रोती भी आई मेरे पास। वो क्या तुम ऑडिशन में फेल होगी ना? तो तुमने ही तो कॉन्फिडेंस दिलाया मुझे। नहीं नहीं, तुम में कुछ है। नहीं लेकिन वाकई अगर तुम नहीं होते तो मैंने तो हिम्मत हार दी थी आज। देखो हम मियाँ बीवी हैं, चाहे झूठे ही सही नाम के, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। So sweet. सकी। हाँ, आइला आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। क्या हुआ, खैरियत? बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ बोलो। मैं कॉफी शॉप चली जाती हूँ। हाँ ये ठीक होगा। बाहर सर्दी है बहुत। ओके बाय बाय। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? अपसेट हूँ मैं, मेरे साथ धोखा हुआ है। कौन सा धोखा? तुमने और मरियम ने मेरे साथ धोखा किया है। तो किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? भोले मत बनो, जरूर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। आयला, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। तो क्यों गए थे मिलने उससे? अरे उसको मेरी हेल्प की जरूरत थी इसलिए मैं चला। प्लीज स्टॉप इट सकी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बनाता हूँ तुम्हारे। मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म आज से। क्या पागलों वाली बात करी हो, पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, लेकिन इतनी नहीं हुई हूँ कि समझ ना सकूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुमने मुझे हर्ट किया, ऐसे की बेवफाई की है मेरे साथ।
मैंने कोई बेवफाई नहीं की तुमसे। तुम तो यही कहोगे ना, लेकिन सच यही है, खत्म हो गया सब कुछ। अरे कुछ नहीं हुआ, आई स्वेयर। तो फिर क्या कर रहे थे उसके साथ? मैंने अभी देखा है खुद। कुछ नहीं देखा तुमने, कुछ हुआ ही नहीं तो देखोगी क्या तुम? आई लव यू आयला। जो कुछ भी हो रहा है प्लान के मुताबिक हो रहा है ना, और ये प्लान किसने बनाया? तुमने बनाया खुद। वो नाम की बीवी है मेरी सिर्फ, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं सिर्फ। देखो अगर तुम चाहती हो ना कि ये खत्म हो जाए, तो ये सब कुछ खत्म कर देता हूं मैं। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं प्यार करता हूं तुमसे, सिर्फ तुमसे। I'm sorry, Siki. तुम ठीक कह रहे हो, तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कितनी पागल हूँ, दिमाग खराब हो गया। I just want to be alone. Ayla, Ayla. I'm coming. Who is it? Kolo, it's Bhaiya. Hi, Ayla. Shaukat? बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।